चलो। जो पटाखे तुम ले जा रहे हो वो बच्चों को मजा नहीं सजा देंगे, क्योंकि इन पटाखों की वजह से बच्चे गायब होते ही तुम्हारी अच्छाई पर से लोगों का भरोसा भी गायब होते हुए नजर आएगा। अरे हिरल, ये देख पटाखे के बॉक्स पे तो बालवीर का फोटो यार। हाँ, लगता है इस दिवाली पे बालवीर ने हमारे लिए गिफ्ट बॉक्स भेजे हैं। हाँ, अब तो एनवायरमेंट फ्रेंडली दिवाली मनाने का मजा आ जाएगा। ये थैंक यू बालवीर। बालवीर बालवीर बालवीर, होगा नुकसान तो, लेकिन सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं तुम्हें भी हो जाएंगे बच्चे गायब फटाके फोड़कर, और लग जाएगा बट्टा तुम्हारे नाम पर। ओ शातिर, खड़े क्यों ऐसे मुंह फुलाकर? अरे मनाओ दिवाली, मनाओ खुशियाँ। तुम शायद भूल रहे हो, तो बताओ कि प्रचंडिका अब भी परियों की कैद में। अब हमें एक और बड़ा काम करना है। रानी परी, हमने पृथ्वी लोक पर बच्चों में निर्दोष पटाखे बांट दिए हैं। बालवीर, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहाँ पर वो बच्चे खुश और यहाँ हम सब खुश। सच में बालवीर, ये तो दुगनी खुशी का अवसर है। दुगनी खुशी मतलब? मतलब बालवीर कि हमें इतिहास की किताब मिल गई है जिसमें प्रचंडिका के अंत की तरकीब लिखी हुई है। तो देर किस बात की रानी परी, चलिए वो शुभ कार्य पूरा कर ही देते हैं, मिटा देता है बुराई का अस्तित्व हमेशा हमेशा के। नहीं बालवीर, हम ये कार्य आज नहीं बल्कि कल करेंगे। हम चाहते हैं कि कल दिवाली के शुभ अवसर पर अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करें। इसीलिए बालवीर, इस समय आप पृथ्वी लोक जाइए। हम नहीं चाहते कि दिवाली के शुभ अवसर पर कोई भी बाधा पड़े। जैसा आप सही समझे रानी परी, लेकिन ये तो बताइए प्रचंडिका का अंत कैसे किया जा सकता है? तो सुनिए बालवीर, प्रचंडिका का शरीर पारे का बना हुआ है और उसकी बाईं ओर है काले हीरे जैसा उसका हृदय, और ये हृदय बहुत ही गर्म है और इसी से प्रचंडिका को ऊर्जा मिलती है। और जब तक ये हृदय सुरक्षित है तब तक प्रचंडिका पर किसी भी वार का असर नहीं होगा, और अगर उसका पारा बिखर भी गया तो प्रचंडिका फिर से अपने मूल रूप में वापस आ जाएगी। लेकिन अगर उसके हृदय को बर्फ की तरह जमा दिया जाए, ठंडा कर दिया जाए, तो उसके पारे का शरीर हमेशा हमेशा के लिए बिखर जाएगा और प्रचंडिका का अंत हो जाएगा। पता नहीं बल्लू कहाँ गया है, अभी तक अपने चाचा के घर से आया कि नहीं। अब आगे सुनिए बालवीर। रानी परी, मुझे क्षमा कीजिएगा लेकिन मुझे पृथ्वीलोक पर जाना होगा। माँ और पिताजी बल्लू को लेकर बहुत चिंतित है। ठीक है बालवीर, आप जाइए और साथ सचों के परिवार की खुशियों में शामिल हो जाइए। शुक्रिया रानी पर। प्रचंडिका, आज तक तुमने इतने बुरे कार्य किए हैं कि हम चाहे भी तो तुम्हें क्षमा नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, तुम्हें अपने पापों के प्रायश्चित के लिए एक मौका तो अवश्य दे सकते हैं, ताकि तुम अपने अपराध के बोझ से मुक्त होकर अंतिम विदाई ले सको। अंतिम विदाई? अंतिम विदाई तो बहुत दूर की बात है रानी परी, तुम लोग तो मुझे छू भी नहीं पाओगे। याद रखना वो दिन दूर नहीं जब अच्छाई और सच्चाई बुराई की आग में जलकर खाक हो जाएगी। रानी परी, तुम खुद मेरी इन बेड़ियों को खोलकर मुझे आजाद करोगी, क्योंकि प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंड का नाम है मेरा। रानी परी, अच्छाई का एक अंश भी नहीं बचा इसमें, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं। रानी परी, आप हमें आदेश दीजिए ताकि हम दीपावली के शुभ अवसर पर इस अशुभ शक्ति का नाश कर सके। हाँ रानी परी, हमें आदेश दीजिए। परियों, प्रचंडिका पर वार करने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन ध्यान रहे परी, प्रचंडिका के बाएं हिस्से में जो हृदय है, हमें उसी को निशाना बनाना है। जी रानी परी। चलो चलो फ्रेंड, पटाखे जलाते, चल चल। अरे माना, तू खड़े खड़े देख क्या रहा है? तू भी जाना पटाखे फोड़। नहीं नहीं, मतलब माना दिवाली है, कम ऑन गो। नहीं जाना। अरे नहीं जाना माना, पटाखे फोड़, में बोल दिया। नहीं राहुल, क्या हुआ? बालवीर, बालवीर अच्छा हो तुम आ गए। बालवीर, मेरा बेटा राहुल यहाँ पे पटाखे फोड़ा था, ना जाने कहाँ गायब हो गया। चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ करता। बालवीर, हाँ? ये बालवीर को छू क्यों नहीं पा रहा हूँ? दोस्तों, दोस्तों कहाँ हो तुम? परिलोक में बने निर्दोष पटाखों से बच्चे गायब नहीं हो सकते, जरूर कुछ गड़बड़ है। कहीं ये प्रचंडिका की तो चाल नहीं है? भैया उसका अंत कर दे, इससे पहले मुझे परिलोक जाकर उससे इसका सच पूछना ही होगा। परियो, वार करो। बालवीर, बालवीर ये क्या किया आपने? आप ठीक तो है ना बालवीर? मैं ठीक हूँ भटकाती परी, लेकिन पृथ्वीलोक पर बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। हमने दिवाली पर बच्चों को जो फटाके फोड़ने के लिए दिए थे, उससे बच्चे बच्चे क्या हुआ बच्चों को? बालवीर बताइए ना, बालवीर क्या हुआ बच्चों को? मजा आ गया। और मुझे लग रहा है ये सब के पीछे प्रचंडिका का ही हाथ है, और इसलिए मुझे प्रचंडिका को बचाना पड़ा। लेकिन बालवीर, प्रचंडिका तो हमारी कैद में थी, तो फिर वो बच्चों को गायब कैसे कर सकती है? बालवीर, शातिर परी, बुराई से भी बुरी हूँ, शातिर परी नाम है मेरा, चालाकी है काम मेरा। शातिर परी, जाओ, अगर तुम लोगों ने मुझ पे वार किया तो बच्चों को ठीक करने का इलाज तुम्हें नहीं मिलेगा। इसकी बातों में भरोसा मत कीजिए परियो, वार कीजिए इस पे। रुक जाओ, माना कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं, लेकिन अगर अपने आंखों से देखोगे तो खुद विश्वास हो जाएगा कि मेरे पास बच्चों को ठीक करने का इलाज है। ठीक है शातिर पर, दिखाइए हमें कि वो इलाज क्या है। जरूर। देखो इस कुंड में। राहुल, राहुल, पापा, रानी परी, तसल्ली हो गई? शीशी के बदले तुम्हें प्रचंडिका को मुक्त करना होगा, यानी कि इस हाथ दे और उस हाथ ले। वाह शातिर परी, वाह रानी परी, अब शातिर परी की बातों में मत आइएगा, वरना प्रचंडिका आजाद होने के बाद वापस बुराई करेगी। लेकिन बालवीर, इस समय हमारे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। बच्चों की जान को बचाने के लिए बालवीर हमें ये जोखिम उठाना ही पड़ेगा। ठीक है शातिर परी, हमें तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। तुम जाओ और उस शीशी को लेकर आओ। जैसे तुम हमें वो शीशी दोगी, हम प्रचंडिका को छोड़ देंगे। शाबाश रानी परी, जरूर रानी परी। शीशी और प्रचंडिका की अदला बदली हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा क्षेत्र है। क्या पता शीशी लेने के बाद तुम हम दोनों को कैद कर दो, इसलिए अदला बदली होगी। लेकिन प्रचंड लोग और परी लोग के सरहद पर हम बुराई की तरह मक्कार नहीं है। ठीक है, हमें तुम्हारी ये भी शर्त मंजूर है शातिर परी। प्रचार परी, प्रचंडिका को लेकर जाइए और शातिर परी से वो शीशी लेकर आइए। जी रानी परी। रुक जाओ, तुम नहीं। रानी परी मेरी बेड़ियां खोलेगी और मुझे बाइज्जत अपने साथियों के पास छोड़कर आएगी। प्रचंडिका, अपनी हैसियत मत भूलो। यही है मेरी हैसियत। मैं हूँ बुराई की रानी और ये अच्छाई की रानी परी ही मुझे इन पीढ़ियों से मुक्ति दिलाएगी, क्योंकि इसने मुझे मेरी हार देखने के लिए विवश कर दिया। मैं भी इसे इसकी हार दिखाना चाहती हूँ। आओ रानी परी, आगे बढ़ो, मुक्ति दिलाओ मुझे इन भेड़ियों से। नहीं रानी परी, इसकी बातों में मत आइए। तबा तबा, सदृश जल की शीशी है ना तुम्हारे पास? दिखाओ तो जरा। ये दो। हाँ, बोर दो उसे। जी प्रचंडिका, रुक जाओ। तबा तबा, मुझे मेरी बेड़ियों से आजाद करूंगी। देख ली बुराई की शक्ति, अब ये भी देख लेना इस दिवाली कैसे अच्छाई और सच्चाई बुराई से मात खाती है। चलो प्रचंडिका, गूंज को तुम कभी नहीं भूल पाओगे। प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंड का नाम है मेरा। रानी परी, शातिर परी ने अपने वचन के अनुसार सारे पटाखे हमें वापस लौटा दिए। लेकिन रानी परी, क्या फायदा इन पटाखों का? अगर ये पटाखे बच्चों को दे भी दे तो शायद वो लेने से इनकार कर दे। हाँ रानी परी, बालवीर को बदनाम करने में प्रचंडिका सफल हो गई। नहीं नटखट परी, मुझे मेरी बदनामी की चिंता नहीं है। मुझे तो सिर्फ बच्चों की चिंता है, क्योंकि उनके माँ बाप बहुत परेशान हैं। बालवीर, आप चिंता मत कीजिए, बच्चे ठीक हो जाएंगे। बालवीर, हम शातिर परी का उपाय आजमाएंगे, जिससे अदृश्य हुए बच्चे भी मिल जाएंगे और आप पर कोई उंगली भी नहीं उठाएगा। पृथ्वीलोक पर बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं। अब आप पृथ्वीलोक में जाकर बच्चों के साथ दिवाली मना सकते हैं। हाँ बालवीर, अब खतरा टल चुका है। जी रानी परी, लेकिन रानी परी, अभी भी बच्चों के पास शातिर परी के दिए हुए पटाखे हैं और हमारे निर्दोष पटाखे तो अभी भी यहीं पर है। उसकी चिंता मत कीजिए बालवीर, जब तक आप पृथ्वीलोक पर पहुँचेंगे तब तक हमारे निर्दोष पटाखे वहाँ पहुँच जाएंगे और बुरे पटाखे गायब हो जाएंगे। जी रानी परी। परियों, अब रथ से पटाखे पहुंचाने का समय हमारे पास नहीं है, इसलिए हम सबको मिलकर अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करना होगा ताकि हम ये निर्दोष पटाखे पृथ्वीलोक पर बच्चों को पहुंचा सकें। जी रानी परी। देखो ना, मानव पटाखों से कितना डरता है। चलो पटाखे फोड़ते हैं। हाँ, चलो। बालवीर, ये बच्चे गायब कैसे हो गए? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो, अरे बालवीर मानो मर, हम यहीं पे। अरे हाँ, हम यहीं पे हैं। रानी परी ने प्रचंडिका के किए हुए बुरे जादू का इलाज तो पृथ्वीलोक पर डाला ही था, फिर ये बच्चे वापस कैसे गायब हो गए?